नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन के बीच में पहला T20I मुकाबला खेले जाने वाला है, और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंडली की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सारे खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाला है, और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और साथ ही साथ इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट CVC का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ कि इस पिच की रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, और इन दोनों टीमों के बीच में मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताने वाला हूँ। तो ये सारा कुछ आपको इस एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता हूँ। तो गाइस, पिछले 5 साल का T20 का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो 16 मैच टोटल खेले गए हैं, और 16 मुकाबले में केवल 5 मुकाबला ही इंडिया वुमन जीते हैं, और 11 जो मुकाबले हैं वो इंग्लैंड वुमन ने जीते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकॉर्ड के हिसाब से इंग्लैंड वुमन जो है वो T20 के अंदर आगे ही है इंडिया से। बाकी वेन्यू की बात की जाए तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में ये मुकाबला खेले जाएगा, और इस पिच की बात की जाए तो ये जो पिच है ये पूरा बैलेंस पिच होने वाला है। इसके ऊपर आपको रन भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और विकेटें भी निकलती हुई आपको दिख सकती है। यानी कि ये जो पिच है ये बॉलिंग वाले खिलाड़ियों को भी काफी अच्छा सपोर्ट करेगा और बैटिंग वाले खिलाड़ियों को भी काफी अच्छा सपोर्ट करेगा। बाकी बॉलर की बात की जाए तो भाई तेज गेंदबाज को ज्यादा सपोर्ट है इस वाले पिच के ऊपर। बाकी वेदर कंडीशन की बात की जाए तो भाई ओवरकास्ट होने वाला है, मतलब यहाँ पे बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश आने के चांसेस थोड़े से कम है, इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। बाकी रिसेंट के जो 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं इस वाले पिच के ऊपर, उनमें से एवरेज जो रन बना है वो यहाँ पे 114 के आसपास बना है, यानी कि यहाँ पे एवरेज जो स्कोर है वो कम रहा है, और यहाँ पे टोटल जो विकेटें निकली है वो 60 विकेटें निकली है, और 60 में से 36 विकेट जो है वो स्पिनर को मिली है, और तेज गेंदबाज को 24 विकेटें मिली है। बाकी है तो पिच ये तेज गेंदबाज के लिए, लेकिन भाई आपको पता है कि बारिश वगैरह आ जाती है या फिर ड्यू फैक्टर वगैरह भी आ जाता है कभी कभी, तो इस कंडीशन में खिलाड़ी की परफॉर्मेंस यहाँ पे चेंज हो सकती है, तो इस चीज को भी आप नोटिस जरूर कर लेना। बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए इस वाले वेन्यू के ऊपर, तो भाई पिछले 5 साल के अंदर ये जो खिलाड़ी है ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए है। बाकी इंग्लैंड के अलावा दूसरी टीमों के सामने अगर इंडिया का परफॉर्मेंस अगर रिसेंट का T20 का देखा जाए तो भाई 3 बार इंडिया जीती है, और 1 बार मुकाबला रद्द हुआ था, और 1 बार इंडिया हारी भी है। बाकी इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने भी दूसरी टीमों के सामने 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले ये भी हारी है, तो कहीं ना कहीं भाई दूसरी टीमों के सामने भी ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी करती है। बाकी ये मुकाबले कब खेले गए हैं वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी गाइस, मैंने आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट सारा कुछ डिटेल से बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको जोनिस देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद ऋचा घोष देखने को मिल जाएंगे, यस्तिका भाटिया देखने को मिल जाएंगे, और हेत देखने को मिल जाएंगे। ये 4 खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन 4 ही खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपर वाले सेक्शन में बात करते हैं जोन्स की। तो जोन्स को आप इस वाले मुकाबले के अंदर लेके चल सकते हो, क्योंकि जोन्स इस वाले मुकाबले के अंदर विकेट कीपिंग करती हुई नजर आएगी, और वुमन वाले मुकाबले के अंदर आपको पता है कि विकेटें भी काफी अच्छी निकलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेट कीपिंग करके 1 या फिर 2 विकेटें भी ये निकाल सकती है, और साथ ही साथ इनकी बैटिंग भी आ जाएगी तो भी काफी जबरदस्त करने वाली है। तो आप अपने ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जोनिस को भी लेके चलना चाहो तो भी लेके चल सकते हो। बाकी ऋचा घोष की बात की जाए तो ऋचा घोष भी आपको विकेट कीपिंग करती हुई नजर आएगी, और इनकी भी बैटिंग आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी, और ये जो बैटिंग करने आएगी ये मिडिल ओवर के आसपास ही करने आएगी। तो यहाँ पर अगर इंडिया के जो टॉप ऑर्डर जल्दी आउट भी होते हैं तो भी भाई इनकी जो बैटिंग है ये आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर ऋचा घोष को भी जरूर से लेके चलना। बाकी यहाँ पे यस्तिका भाटिया के खेलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ऋचा घोष अगर खेलेंगी और आगे से बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी अगर खेलेंगे तो यहाँ पे यस्तिका भाटिया के खेलने के कम चांसेस होंगे, तो इसीलिए हम अपनी ग्रैंड की टीम से इनको ड्रॉप आउट करके ही चलेंगे। बाकी यहाँ पे हेत की बात की जाए तो भाई हेत ने भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त किया है। अभी आपको पता है कि वुमन VBL हुआ था उसके अंदर यहाँ पे हेत का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर इनके खेलने के चांसेस कम होंगे क्योंकि यहाँ पे जोन्स खेलने वाली है, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड की टीम के अंदर इनको लेके इनको आप चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई ये 2 खिलाड़ी को आपको अपनी ग्रैंड की टीम के अंदर लेके चलना है, और नीचे के जो ये 2 खिलाड़ी है आप इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि इनके खेलने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको हरमनप्रीत कौर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद समृद्धि मंदाना देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आओगे तो हेदर नाइट देखने को मिल जाएंगे, वेट देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रोड्रिगर्स देखने को मिल जाएंगे, शेफाली वर्मा देखने को मिल जाएंगे, डंकली देखने को मिल जाएंगे, और बाउचर देखने को मिल जाएंगे। ये
सारे खिलाड़ी आपको बेटिंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेकर चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत कौर ने भी अभी वुमन बीबीएल के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और साथ ही साथ बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, यानी कि इनके पास दोनों एडवांटेज है, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इस वाले मुकाबले के अंदर भी भाई हरमनप्रीत आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इस वाले मुकाबले के अंदर इनको भी लेके चल सकते हो। बाकी समृद्धि मंदाना की बात की जाए तो भाई रिक्स प्लेयर होने वाला है और मैचों के अंदर इनका विकेट भी जल्दी निकल जाता है, तो इसीलिए अगर आप रिक्स लेना चाहते हो तो भाई आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से समृद्धि मंदाना को ड्रॉप आउट कर लेना। इनकी जगह पर आप चाहो तो भाई ऑलराउंडर वाले सेक्शन में खिलाड़ी बड़ा लेना, यानी कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आप ज्यादा खिलाड़ी लेके चल लेना, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो भाई इनको ड्रॉप आउट कर लेना क्योंकि रिक्स प्लेयर होने वाला है और इनका विकेट भी जल्दी निकलता है। बाकी हेदर नाइट की बात की जाए तो भाई इनको भी आप इस वाले मुकाबले के अंदर लेके चल सकते हो क्योंकि दूसरे या फिर तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग करने आएंगे और वुमन बीबीएल के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका गया है, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर हेदर नाइट को भी लेके चल सकते हो और इनके पास भी दो एडवांटेज है, ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करती है, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर हेदर नाइट को भी लेके चल सकते हो। बाकी व्याट को आप चाहो तो ड्रॉप आउट लेना और इसके बाद रोड रिकर्स को अगर आप चाहो तो लेके चल सकते हो रिक्स प्लेयर के हिसाब से। बाकी यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो बेस्ट खिलाड़ी रहेगा आपके लिए वो यहाँ पे शेफाली वर्मा रहने वाले हैं और शेफाली वर्मा इस वाले मुकाबले के अंदर आपको ओपन करते हुए भी नजर आ सकती है, तो ये चीज आप नोटिस जरूर कर लेना और शेफाली वर्मा को भी आप चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी इंग्लैंड के जो नीचे खिलाड़ी है आप इनको ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे और इनके पिछले रिकॉर्ड भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनको ड्रॉप आउट करके ही चलेंगे। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर पहला खिलाड़ी आपका हरमनप्रीत कौर है और दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो वो आपका हेदर नाइट है और तीसरा खिलाड़ी की बात की जाए तो वो शेफाली वर्मा है। ये मेनली तीन खिलाड़ी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी काफी सारे खिलाड़ी बैटिंग वाले सेक्शन में आप ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे और उनकी विकेटें भी काफी जल्दी निकलने वाली है। बाकी रोड रिकर्स जो है वो आपके लिए एक्स्ट्रा प्लेयर के अंदर होंगे, यानी कि जो खिलाड़ी भी मैं आपको बताऊंगा उन खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो उसकी जगह पर आप यहाँ पे इनको लेके चल सकते हो, ये आपके लिए एक्स्ट्रा में रहेंगे। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी क्या बैटिंग वाले सेक्शन में हमारे लिए कोई खिलाड़ी सीबीसी के लिए बेस्ट है या फिर नहीं है वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको नाताली स्वीर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद दीप्ति शर्मा देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद पूजा वस्त्याकर देखने को मिल जाएंगे, कैप्सी देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद गिब्सन देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक और देखने को मिल जाएंगे और ये दो खिलाड़ियों को तो आप वैसे भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि इनके वैसे भी खेलने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ये सारे के सारे खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर नाताली स्वीर को लेके चल सकते हो क्योंकि आपको पता है कि तेज गेंदबाज को ये वाला पिच काफी अच्छा सपोर्ट भी करेगा और ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करने वाले हैं इस वाले मुकाबले के अंदर और अभी वुमन बीबीएल के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला था, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर चाहो तो इस वाले मुकाबले के अंदर इनको लेके चल सकते हो और वैसे भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है और इनके भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है। बाकी दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो भाई दीप्ति शर्मा को भी आप इस वाले मुकाबले के अंदर लेके चल सकते हो क्योंकि बेस्ट ऑलराउंडर है और बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करने वाले हैं और वुमन वाले मुकाबलों के अंदर वो खिलाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, जो कि भाई बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी कर लेता है क्योंकि यहाँ पे वुमन वाले मुकाबलों के अंदर विकेटें काफी जल्दी निकल जाती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बैटिंग करने वाले खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर दीप्ति शर्मा को लेकर चल सकते हो, काफी जबरदस्त खिलाड़ी है और बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी यहाँ पे पूजा वस्त्याकर को आप ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे। बाकी केपसी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और ये चौथे या फिर पांचवें नंबर पे बैटिंग करने भी आएंगे और इंग्लैंड के अगर टॉप ऑर्डर उड़ेंगे फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी बैटिंग करके देंगे और अच्छी खासी बॉलिंग भी करके देने वाला है, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इस वाले मुकाबले के अंदर केपसी को भी लेके चल सकते हो। और हाँ गाइस, एक चीज मैं आपको नोटिस और करवा देता हूँ, ज्यादातर जो इस वाले मुकाबले के अंदर बॉलिंग करेगी वो जो खिलाड़ी है वो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में होगी, यानी कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में खिलाड़ी आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएगी और अच्छे खासे विकेट भी निकालते हुए नजर आएगी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आप ज्यादा खिलाड़ी लेते हो तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आप कम खिलाड़ी लेओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बाकी केपसी का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त होने वाला है, इनको आप जरूर से लेके चलना और यहाँ पे गिब्सन को आप चाहो तो इस वाले मुकाबले से ड्रॉप आउट कर लेना और नीचे के जो ये तीन खिलाड़ी है आप इनको भी ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे और वैसे भी इनकी बॉलिंग बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आने वाली है तो वैसे भी इनका परफॉर्मेंस आपको ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा जिसको आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चलना है वो ये तीन खिलाड़ी होने वाले हैं जिसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जरूर से लेके चलना, जो कि आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके देने वाले हैं। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए
इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी क्या ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हम किसी खिलाड़ी को सीवीसी बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं वो आपको वीडियो करके पता चल जाएगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट रहेगा। ऊपर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको इश्ली स्टोन देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे एल बेल देखने को मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे सराहा गिलेन देखने को मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे आर सिंह ठाकुर देखने को मिल जाएंगे और नीचे के खिलाड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होंगे तो हम इनको छोड़ेंगे। जो भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे वो यहाँ पे ये खिलाड़ी होने वाले हैं, इनमें से ही हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर खिलाड़ी लेके चलेंगे। अब इन खिलाड़ियों में से आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा होगा जिसको आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इश्ली स्टोन को लेके चल सकते हो, क्योंकि आपको बताइए कि इनका भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है T20 के अंदर और काफी अच्छी विकेट ये भी निकालती है, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको जरूर से लेके चलना। बाकी दूसरा जो खिलाड़ी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा वो यहाँ पे सराहा ग्लेन होने वाले हैं। इनका भी परफॉर्मेंस वुमन बीबीएल के अंदर काफी अच्छा देखने को मिला था और ये भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है, तो ये भी अगर दो या फिर तीन विकेटे भी निकालेगी तो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको लेके चल सकते हो। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में ये जितने भी खिलाड़ी है आप यहाँ पे ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे। जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे वो यहाँ पे ये दो खिलाड़ी होंगे, और मैंने बॉलिंग वाले सेक्शन में ये दो खिलाड़ी इंग्लैंड की वुमन की तरफ से ही क्यों लिए है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के सामने काफी जबरदस्त है, यानी कि इंडिया के जो वुमन है वो यहाँ पे इंग्लैंड वुमन के सामने स्ट्रगल भी करती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे विकेटे भी चटका सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इंग्लैंड की तरफ से ही यहाँ पे खिलाड़ी लिए हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। इंपोर्टेंट जो खिलाड़ी होंगे वो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में और बैटिंग वाले सेक्शन में होंगे, और बैटिंग वाले सेक्शन से भी हमारे पास दो खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जो कि भाई इस वाले मुकाबले के अंदर बॉलिंग डालते हुए भी आपको नजर आएंगे। बाकी लगभग मैंने आपको सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट होगा और कौन से प्लेयर को आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जैसे आओगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कैप्सी, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको सीवीसी बना के चल सकते हो। काफी जबरदस्त खिलाड़ी है, इस वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके देने ही वाली है और इंडिया के सामने इनकी रिकॉर्ड भी काफी जबरदस्त है, तो इसीलिए आपके लिए पहला जो खिलाड़ी सीवीसी के लिए बेस्ट है वो यहाँ पे कैप्सी है। दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली है। दीप्ति शर्मा के भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और ये भी बॉलिंग बैटिंग काफी जबरदस्त कर लेती है, तो इसलिए आपके लिए सीवीसी का ऑप्शन ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, यानी कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ये दो खिलाड़ियों को आप सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी तीसरा जो खिलाड़ी आपके लिए होगा वो यहाँ पे शेफाली वर्मा होने वाली है, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी सीवीसी बना के चल सकते हो। मुझे पता है कि काफी सारे लोग इन दोनों खिलाड़ियों में से सीवीसी बना के चलेंगे, लेकिन भाई रिक्सी मामला काफी जबरदस्त होने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। बाकी बेस्ट खिलाड़ी और बेस्ट सीवीसी कौन से हैं वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी हमारी इस वाले मुकाबले की फाइनल प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, उस वाली वीडियो का भी आप इंतजार जरूर से करना, क्योंकि उस वाली वीडियो के अंदर हम पूरा रिक्सी कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, रिक्सी तरीके से सीवीसी बनाने वाले हैं, और वो वाली जो वीडियो है वो पूरी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन के ऊपर होगी। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वाली वीडियो को हम यही पेंट करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।